To start. So first of all, we were doing chapter Nazism in Germany. This you have read about. Jo maine revise karwa liya this chapter mein. I think we have revised so many topics of this chapter. You have done Treaty of Versailles. Treaty of Versailles, jo ki 28 June 1919 ko sign hui thi between Allied powers and Germany. On the behalf of Germany, a treaty signed with the Weimar Republic. अगर किसी बच्चे को terms of the treaty of Versailles में problem है, तो you can ask कि ये treaty जो थी, इसकी terms क्या थी? Because इस lesson का first question बनता यही है कि terms of the treaty of Versailles, but you know about Weimar Republic, जो parliamentary parties Weimar में मिली थी to sign the treaty and to frame. उन्होंने क्या फ्रेम किया था? कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी ऑन फेडरल लाइंस, उसको कहते हैं वेमर, क्योंकि वेमर जगह का नाम था. तो वेमर रिपब्लिक ने आते ही एक एक्ट किया था, दैट वाज ह्यूमिलेटिंग एक्ट, एंड दैट वाज टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स. तो इस ट्रीटी से लोग खुश नहीं थे, जर्मनी के लोग, दे वर डिसअपॉइंटेड ड्यू टू दिस ट्रीटी. ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि इसकी टर्म्स जो थी, दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ जर्मनी. यू नो ऑल द टर्म्स. टर्म्स में क्या क्या था? 75% आयरन, 26% कोल रिजर्व कौन लेते? अलाइड पावर्स. राइन एंड रूहर वैली, ये जो इंडस्ट्रियल टाउन्स थे, ये भी कौन लेते? अलाइड पावर्स. कितना फाइन देना था? 6 बिलियन पाउंड वार फाइन जर्मनी को पे करना था टू अलाइड पावर्स. तो जर्मनी वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. इतनी ज्यादा वार इंडेमनिटी उस पर लग गई, तो साथ में नंबर ऑफ सोल्जर्स भी उनके रिड्यूज हो गए. उनकी टेरिटरीज, पॉपुलेशन ओवरसीज, टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन ओवरसीज कॉलोनीज, ये सब कौन ले गया? अलाइड पावर्स. तो कहीं ना कहीं ये ट्रीटी जो थी, दैट वाज डिसग्रेस ट्रीटी, नॉट इन द फेवर ऑफ जर्मनी. लोग अगेंस्ट हो गए. हिटलर जिसके अगेंस्ट था, ही वाज इन हॉस्पिटल जब वो बाहर आया. तो इसके बाद मैं सिर्फ अभी मेन मेन बताऊंगी. अगर यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दीज टॉपिक्स, बिकॉज आई हैव रिवाइज्ड, तो एक बार मैंने ये पिछले वीक रिवाइज करवा दिया था. अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन रेज योर हैंड. एक तो फर्स्ट मैंने बोला था, क्वेश्चन बनता है राइट द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स. तो फिर आपका टॉपिक आ जाता है व्हाई वेमर रिपब्लिक बिकेम अनपॉपुलर इन इट्स बिगनिंग. क्योंकि फर्स्ट तो आप यही बताओगे कि उसने ट्रीटी साइन की थी जो कि जर्मनी की फेवर में नहीं थी. फिर आप बताओगे इकोनॉमिकली क्रश्ड थी, पैसा नहीं था, वार फाइन कहाँ से देती, गोल्ड रिजर्व्स खाली होते जा रहे थे जर्मनी के, गोल्ड रिजर्व्स गॉट डिप्लीटेड ऑफ जर्मनी. तो फिर आप बताओगे इकोनॉमिक क्राइसिस आए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वेमर रिपब्लिक, एंड वेमर रिपब्लिक उसे सॉल्व करने में फेल हुई थी. तो कहीं ना कहीं वेमर रिपब्लिक, और साथ में आप ये भी बता दोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी जर्मनी में, यूथ जो था दैट वॉज टर्न टूवर्ड्स क्राइम. तो इतना सब कुछ हो रहा था जर्मनी में, तो लोग जो थे वो वेमर रिपब्लिक के अगेंस्ट होते चले गए. एंड ऑन द अदर हैंड हम कह रहे हैं कि हिटलर वाज बिकमिंग पॉपुलर. तो कहीं ना कहीं हिटलर की पॉपुलैरिटी इसकी अनपॉपुलैरिटी का, वेमर रिपब्लिक की अनपॉपुलैरिटी का रीजन बनी. वेमर रिपब्लिक अनपॉपुलर होती चली गई ड्यू टू द पॉपुलैरिटी ऑफ हिटलर. तो एक तो ये कॉजेज फॉर द अनपॉपुलैरिटी ऑफ वेमर रिपब्लिक. वैसे भी लोगों को वेमर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से डिफेक्ट्स दिखे, तो लोग इसलिए भी इसकी फेवर में नहीं थे. ठीक है, तो नेक्स्ट उसको हम सेपरेट करेंगे, राइट का डिफेक्ट्स ऑफ द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन. लोगों को जो डिफेक्ट्स दिखे थे उसको हम सेपरेट, वैसे मैंने करवाया भी आपको, सेपरेट ही हुआ ये टॉपिक, डिफेक्ट्स दैट वर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेमर, वेमर रिपब्लिक. वेमर रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को क्या क्या डिफेक्ट दिखे थे, वो क्वेश्चन सेपरेट है. तो इसके बाद आप कहोगे पॉपुलैरिटी ऑफ हिटलर, हिटलर पॉपुलर होता जा रहा. हिटलर की पॉपुलैरिटी के रीजन क्या थे? कि वो एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा पॉलिटिशियन, ही हैड नॉलेज हाउ टू अट्रैक्ट पीपल, एंड ही हैड गुड पर्सनैलिटी. ये सारी बातें उसकी फेवर में जाती थी. फिर आप कहोगे तो उसने बहुत से प्रोमिसेस किए लोगों के साथ, और वो प्रोमिसेस लोगों को अच्छे लगे. अब हिटलर के प्रोमिसेस यू नो इट वेरी वेल. उसने क्या क्या कहा? सबसे पहले तो उसने कहा ही वुड डिनाउंस द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ही वुड गिव ब्राइट फ्यूचर टू द यूथ ऑफ जर्मनी, ही वुड इंक्रीज द नंबर ऑफ सोल्जर्स. इन दिस वे अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं
वो सॉल करने का, जर्मनी में लोगों को जॉब्स देगा, ब्राइट फ्यूचर देगा यूथ को। तो उसकी ये वाली बातें लोगों को अच्छी लगी, लोगों ने कहा कि ये तो एक मसीहा है, मैसेंजर है सेंट बाय गॉड, एंड ही वुड टुक देम आउट ऑफ दैट डिस्ट्रेस सिचुएशन। लोगों को लगा कि यही हमें इतनी पुअर कंडीशन में से निकाल के बाहर ले जाएगा। लोग जो थे वो हिटलर के फॉलोअर होते चले गए एंड वेमर रिपब्लिक के अगेंस्ट हो गए। आप हिटलर पावर में कैसे आया, आपका ये टॉपिक है। तो 1928 में इलेक्शंस हुए, पावर में कैसे आया अलग क्वेश्चन है, पॉपुलर कैसे हुआ अलग है, पावर में कैसे आया। 1928 के इलेक्शंस हुए तो इस बार इसको इतने ज़्यादा वोट्स नहीं पड़े, 2.6% वोट मिले, तो उसको ज़्यादा वोट नहीं मिले, नाजी पार्टी को ज़्यादा वोट्स नहीं मिले। आप 1932 में दोबारा इलेक्शंस हुए जर्मनी, दिस टाइम हिटलर को मेजोरिटी वोट्स पड़े और वो जीत गया। अब प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग कॉल्ड हिटलर, हिंडनबर्ग ने हिटलर को बुलाया और उसे वो चांसलर बनाना चाहते थे, बट कहते हैं मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट इन द पार्लियामेंट्री बिल्डिंग ऑफ जर्मनी। हिटलर ने अपने सारे एनिमी कहाँ भेजे, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जो थे जस्ट लाइक जेल सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिकल वायर्स, उसने सारे एनिमीज अपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स भेज दिए। एंड हाउ हिटलर केम टू पायर पावर में अगर ये चीज नहीं ना लिखोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। एंड ही पास इनेबलिंग एक्ट, इनेबलिंग एक्ट उसने पास किया 3 मार्च 1933। ही पास दिस इनेबलिंग एक्ट, अगर हाउ हिटलर केम टू पावर में इनेबलिंग एक्ट नहीं है ना तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हिटलर ने एक इनेबलिंग एक्ट पास किया 3 मार्च 1933। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसने सारे सिविल राइट्स गिवन टू द पीपल बाय वेमर रिपब्लिक सब सस्पेंड कर दिए। ही ब्रॉट मीडिया, इकोनॉमी, जुडिशरी, हर चीज, आर्मी अंडर हिज कंट्रोल। तो इन दिस वे ही बिकेम द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी एंड ही बिकेम पावरफुल, और वो पावर में आ गया, ही केम टू पावर। अब टॉपिक इज डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप, जस्टिफाई। डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप, जस्टिफाई। इसमें आपने कहना है कि वेमर रिपब्लिक जो थी ना वो एक हिसाब से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आई, बिकॉज वेमर रिपब्लिक हैड गिवन सो मेनी सिविल लिबर्टीज टू द सिटीजंस। वेमर रिपब्लिक फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फेडरल लाइन्स, तो कहीं ना कहीं वेमर रिपब्लिक जो थी वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाई थी, बट पीपल हैड नो फेथ ऑन इट। पीपल वर नॉट इन द, पीपल ऑफ जर्मनी दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो दैट्स व्हाई दे टर्न्ड अगेंस्ट इट। दे वर इन द फेवर ऑफ डिक्टेटरशिप, तो दे वॉन्टेड टू ब्रिंग स्ट्रॉन्ग लीडर इन पावर, वो स्ट्रॉन्ग लीडर को पावर में लाना चाहते थे। दे सॉ ऑल द क्वालिटीज इन हिटलर, उनको सारी जो जो क्वालिटीज वो एक अच्छे लीडर में देख रहे थे ना, उनको वो सारी हिटलर में दिखी। तो लोग जो थे ना देवर इन द फेवर ऑफ डिक्टेटरशिप, वो स्ट्रॉन्ग लीडर को पावर में लाना चाहते थे। तो लोग जो थे वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो गए और डिक्टेटरशिप की फेवर में थे। एंड ऑन द अदर हैंड हम कहेंगे लोग तो चाहते थे, बट ऑन द अदर हैंड हिटलर पास्ड इनेबलिंग एक्ट, हिटलर ने भी इनेबलिंग एक्ट पास कर दिया था। बाय दिस एक्ट उसने सबसे पहले तो लोगों के राइट्स को सस्पेंड किया, सब कुछ अपने अंडर किया, उसने मीडिया, इकोनॉमी, जुडिशरी, आर्मी, हर चीज अपने अंडर। अब जब हर चीज हिटलर के अंडर हो जाएगी तो अपने आप बताओ डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश हो जाएगी और क्या किसकी डिस्ट्रक्शन होगी, डेमोक्रेसी की। तो इन दिस वे डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय वेमर रिपब्लिक इन जर्मनी लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप बाय हिटलर। डेमोक्रेसी की डिस्ट्रक्शन हुई एंड डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश हो गई, क्योंकि लोग भी डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं थे, लोग वैसे डिक्टेटरशिप लाना चाहते थे, लोगों को वेमर के कॉन्स्टिट्यूशन पे भी विश्वास नहीं था, लोग नहीं चाहते थे
कि वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंडर है, लोग एक स्ट्रांग लीडर लाना चाहते थे, उन्हें सारी क्वालिटीज, बिकॉज हिटलर को वो मसीहा कहते होते थे, हिटलर में दिखी, तो वो डिक्टेटरशिप की फेवर में थे। तो वैसे भी हिटलर ने कौन सा एक्ट पास कर दिया, इनेबलिंग एक्ट, इस एक्ट को पास करके वो तो वैसे भी बहुत पावरफुल हो गया और वो डिक्टेटरशिप ले आया और जर्मनी में डेमोक्रेसी की डिस्ट्रक्शन हो गई। एक तो ये टॉपिक पेपर में आता था। फिर आता होता है कि नाजी प्रोपेगेंडा, व्हाट डू नो अबाउट नाजी प्रोपेगेंडा, नाजीज ने नफरत का कैसे कैसे उन्होंने प्रचार किया, क्या क्या किया उन्होंने। सबसे पहले तो आप बताओगे कि नाजीज जो थे ना, इन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज बना के इन्होंने बच्चों को दिखाई। सबसे पहले तो प्रीस्ट हेटर्ड फॉर ज्यूज, ए प्रीस्ट हेटर्ड फॉर ज्यूज, ज्यूज के लिए नफरत का प्रचार किया। फिर आप कह सकते हो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स वर मेड, कार्टून्स कैरिकेचर्स वर मेड एंड ऑल दीज वर शोन टू द आर्यन चिल्ड्रन। इन दोज कैरिकेचर्स और इन डॉक्यूमेंट्रीज बैड करेक्टर्स ऑफ ज्यूज वर शोन, सच एज किलर, किडनैपर्स, ग्रीडी पीपल, जितने बैड करेक्टर्स थे ना वो सारे ज्यूज के दिखाए। तो कार्टून्स कैरिकेचर्स में भी ज्यूज के बैड करेक्टर्स दिखाए टू आर्यन चिल्ड्रन। तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग देयर माइंड्स वर इंजेक्टेड टू हेट द ज्यूज, उनके दिमाग में भर दिया था ज्यूज से नफरत करो। ज्यूज वर फोर्स्ड टू लीव नाजी जर्मनी, नाजी जर्मनी छोड़ने के लिए उन्हें मजबूर किया गया एंड दे वर सेंट टू गैस चैम्बर्स फॉर मास किलिंग। मीडिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ हिटलर, तो इस वजह से मीडिया के थ्रू भी कोई भी बात बाहर नहीं गई। नाजीज के जो आइडियाज थे दे वर स्प्रेड थ्रू स्लोगन्स, थ्रू हम कहेंगे कि फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, थ्रू इमेजेस, तो इस वजह से उनके आइडिया स्प्रेड होते चले गए। तो चिल्ड्रन जो थे ना दे वर टॉट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू हेट द ज्यूज, तो इस वजह से नाजीज ने, वैसे भी उन्होंने ज्यूज मदर के साथ भी पुअर ट्रीटमेंट किया। हिटलर वांटेड टू, आप चाल क्या लिख सकते हो कि वांटेड टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ, किसका नंबर मल्टीप्लाई करना चाहता था, आर्यन, एंड ही वांटेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ज्यूज, आर्यन चिल्ड्रन का वो कहता था कि नंबर मल्टीप्लाई हो जाए एंड ज्यूज का नंबर जो है वो कम हो जाए। तो वो हिटलर एस्टेब्लिश्ड हिज फुल कंट्रोल ओवर नाजी जर्मनी। हिटलर ने अपना या नाजीज ने अपना पूरा कंट्रोल कैसे एस्टेब्लिश किया, अगर आपको यही क्वेश्चन आ जाए, और नाजीज एस्टेब्लिश योर फुल कंट्रोल ओवर नाजी जर्मनी, नाजी जर्मनी पे नाजीज का पूरा कंट्रोल कैसे था। सबसे पहले तो आप इसी एक्ट को डिफाइन कर दोगे कि सारा कुछ हिटलर के हाथ में था, मीडिया, इकोनॉमी, जुडिशरी, आर्मी, एक एक बात हिटलर के हाथ में थी। एक तो ये कहोगे कि जब सारी पावर्स ही एक पर्सन के हाथ में है तो नाजीज का ही होल्ड होएगा ना। फिर आप बताओगे कि लोगों के पास सिविल राइट्स नहीं थे, दे वर नॉट अलाउड टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट दैट पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय नाजीज, वो अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते थे। अंडर नाजीज जर्मनी बिकेम पुलिस स्टेट, नाजीज के अंडर जर्मनी एक पुलिस स्टेट बन चुका था। In civil uniform, policemen were appointed at different places and people were not allowed to say anything against Nazis or Hitler. Hitler के बारे में वो नहीं बोल सकते थे। फिर हम कहेंगे कि हिटलर ने यूथ को अपने अंडर लिया। यूथ जो थी that was the follower of Hitler, because from the very beginning children were taught to worship Hitler. सोल्जर्स, वहाँ के जो सोल्जर्स थे दे वर आल्सो फॉलोअर ऑफ हिटलर, बिकॉज हिटलर गेव देम जॉब्स। व्हेन देयर नंबर वाज रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, तो व्हेन हिटलर केम टू पावर ही गेव जॉब्स टू द सोल्जर्स हु वर अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वेमर रिपब्लिक। तो वहाँ के सोल्जर्स तक हिटलर के फॉलोअर थे।
यूथ उसका फॉलोअर था, मीडिया उसके अंडर था, जुडिशरी उसके अंडर थी, तो जर्मनी एक पुलिस स्टेट बन चुकी थी अंडर हिटलर। एंड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन वर इंजेक्टेड, उनके माइंड्स में भर दिया गया था टू वर्शिप हिटलर एंड टू हेट द ज्यूज। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियन सब बैन की हुई थी नाजी जर्मनी, एक्सेप्ट नाजी पार्टी। जर्मनी में ना तो कोई ट्रेड यूनियंस थी ना ही और पार्टीज थी, तो इस वजह से हम कहेंगे कि वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी थी, दैट वाज नाजी पार्टी। लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब कुछ नहीं था। तो इन दिस वे वी कैन से नाजीज एस्टैब्लिश्ड देयर फुल होल्ड ओवर नाजी जर्मनी। क्वेश्चन इज, यही टॉपिक सारे घूम फिर के आपको आने हैं, हो हिटलर पीस हिटलर फॉर ज्यूज या नाजी प्रोपेगेंडा आ जाए, तो आपने कहना है कि उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या मेथड अपनाए। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, कार्टून्स कैरिकेचर्स बनाए, बच्चों के दिमागों में भर दिया, बिगनिंग से ही भर दिया गया हेट द ज्यूज। तो बैड करेक्टर्स किन के दिखाए, ज्यूज के, जिप्सिस के, ब्लैक्स के, और ये डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई किनको, ज्यूज बच्चों को। तो इस वजह से उसने नफरत का प्रचार किया, और साथ में उसने क्या किया, उसने उनको फोर्स किया कि लीव नाजी जर्मनी, अगर वो नहीं जाते थे सेंड देम टू गैस चैम्बर्स फॉर मास किलिंग। नाजी मदर्स के, ज्यूज मदर्स के साथ पुअर ट्रीटमेंट किया नाजीज ने। हिटलर डिड नॉट वांट टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ ज्यूज चिल्ड्रन, ही वांटेड टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ आर्यन चिल्ड्रन। आर्यन को तो इतना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड उनका हाई करना चाहता था, फॉर दैट ही फॉलोड लेबेंस्ट्रम या फिर जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। ही वांटेड टू इंक्रीज द टेरिटरीज ऑफ जर्मनी, फॉर दिस ही डिड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। इसके लिए उसने फॉर द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ही अटैक ऑन द अदर कंट्रीज, उसने दूसरी कंट्रीज पे भी अटैक किए, क्योंकि वो जर्मनी की टेरिटरीज को बढ़ाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू गिव बेटर लिविंग प्लेस टू आर्यंस, आर्यंस को ज़्यादा प्लेस, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई करने के लिए उनको वास्ट स्पेस देना चाहता था, उनके लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे करना चाहता था। तो फॉर दैट ही डिड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, उसने टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी की जर्मनी की। तो इस वजह से हम कहेंगे कि हिटलर ने, हिटलर का पूरा होल्ड था जर्मनी पे। कैसे इनका पूरा होल्ड आप कह सकते हो, नाजीज एस्टैब्लिश देयर फुल होल्ड ओवर जर्मनी, तो फिर इनेबलिंग एक्ट आ जाएगा। लोगों के पास राइट्स नहीं थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वैसे भी आर्मी उसके अंदर थी, जर्मनी एक पुलिस स्टेट थी, लोग नाजीज के अगेंस्ट बोल नहीं सकते थे, अगर वो बोलते तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स वर गिवन टू देम। तो वैसे भी नाजीज के पीरियड में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां पे और नहीं थी, वहां पे जितनी भी ट्रेड यूनियंस थी वो भी बैन कर दी गई थी, देयर वॉज ओनली वन पार्टी एंड दैट वॉज नाजी पार्टी। तो ऐसे हालात में आप खुद सोचो कि किसका होल्ड हो जाएगा पूरे जर्मनी में, नाजीज का होल्ड हो जाएगा। इसके बाद आपने पढ़ा था कि जर्मनी में जो स्कूलिंग थी वो कैसी थी, अब रेड और बच्चों की स्कूलिंग पे उसने कैसे कैसे नजर रखी, कैसे उसने डिस्क्रिमिनेट किया, किनको वो टॉप रैंक पे रखता था। ही कैप्ट आर्यंस एट टॉप रैंक एंड ज्यूज एट लोएस्ट रैंक। आर्यंस को कहता होता था गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन, whereas Jews को कहता होता था कि born against the wishes of God, के भगवान की मर्जी के बिना धरती पे आए हैं, and had no right to live on this earth। Hitler तो जो physically और mentally fit नहीं ना होते थे लोग, उनको भी कहता होता था कि they had no right to live in Nazi Germany। वो Nazi Germany में सिर्फ pure blooded Germans को रखना चाहता था, mother father दोनों German के, उनको कहता था Aryan child, Aryan। नॉर्डिक आर्यन पीपल, और अगर मिक्स रेस होती तो उनको वो डिस्क्रिमिनेट करता। तो इस वे से हिटलर के पीरियड में ज्यूज जो थे, जिप्सिस जो थे, ब्लैक्स जो थे, दे वर वर्स्ट सफरर। तो फिर हम कहेंगे कि नाजीज के पीरियड में क्या जो दूसरे लोग थे उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई? नाजीज के पीरियड में सारे नाजीज जो थे दे ऑल वर नॉट बैड, सारे बुरे नहीं थे। सम हैड सिंपथीज विद ज्यूज, कई लोगों की ज्यूज के साथ सिंपथीज थी, बट दे सॉ ईच एंड एवरीथिंग साइलेंटली। उन्होंने मास किलिंग होते देखा, डिस्क्रिमिनेशन देखा, हर चीज उन्होंने साइलेंट वे से देखी, तमाशा चुपचाप देखा। दे डिड नथिंग फॉर द ज्यूज, जिप्सिस, ब्लैक्स, कुछ नहीं किया।
बिकॉज वो खुद दे फियर्ड फ्रॉम नाजी ऑफिशियल्स, वो खुद भी नाजी ऑफिशियल्स से डरते थे, वो लोग भी इनसे डरते थे, इसीलिए उन्होंने इनके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाई। तो ऑल दिस यू विल यू हैव टू लर्न। अब हमने कल करना है जो दैट इज अबाउट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नाजी जर्मनी, नाजी जर्मनी की रिकंस्ट्रक्शन कैसे हुई, और साथ में हमने करना है जो और टॉपिक आपके रह गए हैं ना इस लेसन के, फॉर एग्जाम्पल कंपेयर द वुमेन ऑफ नाजी जर्मनी विद द वुमेन ऑफ फ्रांस, तो ये सारे टॉपिक लास्ट, एंड डिफेक्ट्स इन वेमर कॉन्स्टिट्यूशन।